मैं तो यहाँ पे बेला बैठा हूँ, बट अगर पैर जा रहा है ना अंदर तो पैर बाहर नहीं निकल रहा, चिपक रहा है। और चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है, मैं भी आज मछली पकड़ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, और आज मैं जा रहा हूँ रोपड़ में। एक छोटा सा मीटअप भी है, एक चंडीगढ़ से है कि यूट्यूबर, उनसे मिलना भी है और उनके साथ आज मैं जा रहा हूँ फिशिंग करने। तो चलते हैं, देखते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, और मैं मिलवाता हूँ भाई से जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये हैं भाई, आज मैं इनके साथ आया हूँ फिशिंग करने के लिए, और दो भाई ये भी हैं। तो भाई आपका नाम? कुणाल। ये है कुणाल भाई, और सर आपका नाम? संजू सर। ये हैं संजू भाई और अरबाज। ये हैं अरबाज भाई। मैं इन तीनों के साथ आया हूँ आज फिशिंग करने के लिए, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और इन सर का भी यूट्यूब चैनल है, उसमें ये फिशिंग वगैरह दिखाते हैं। तो सर क्या नाम है चैनल का? एंगलर्स एसोसिएशन चंडीगढ़ था, बट मैंने अभी नाम चेंज करना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि वैसे अपलोड करते हैं जैसा भी बनता है अभी। तो देखते हैं दोस्तों कैसे है, और इनके जो चैनल है उनका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल का नाम चेंज करना है, देखते हैं। अभी सोच रहे हैं कि चैनल का क्या नाम रखें, बाकी आप भी ज़रूर बताएं कमेंट करके कि क्या नाम रख सकते हैं हम लोग। बाकी करें स्टार्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है, देखिए कुणाल जी तो हो गए तैयार, पूरी तैयारी हो रही है। तैयारी है। और गाइस व्यू देखिए, ये है सतलुज रिवर। ये क्या करना? यहाँ बैठो। बेड लग गया हमारा। बेड लग चुका है, सेटअप है हमारा यहाँ, और अभी हम करेंगे इतना। ये क्या हो गया, वो नहीं दिखाएंगे कोई। पूरा जिप लगा देना, 40 मीटर होगी, 30 मीटर, ये बहुत है। 30 मीटर होगी, बहुत है, बहुत लाइन है। अच्छा अच्छा टेंशन लगा। ठीक है, एक दो, ये एक रोड होगी मेरी, और इनमें ना हमने वेट लगाने हैं। ठीक है, तो वैसे मुझे तो सिर्फ इसका नॉलेज है कि ये फिशिंग रोड है, बाकी ये देखिए ये क्या है। ये एक्चुअली ऐसा है ना मनोज भाई। हाँ जी। ये हैंड लाइन है, जैसे हम इसको अब दूर फेंकेंगे ना, कई ऐसा होते हैं शिकारी होते हैं जो रोड से नहीं खेल पाते हैं। ठीक है, जिनको रोड के बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ। तो वो ये पहले के टाइम में देसी तरीके ही चलते थे। ओके ओके ओके। ये लकड़ी के गट्टू होते हैं, लाइट वेट होता है इनका, और अगर बड़ी मछली लग भी जाती है तो अगर उसको लेके भागेगी तो ये पानी के ऊपर ही गोल गोल घूमता रहेगा, वही तैरता रहेगा। अच्छा, इसको ऐसे फेंक देंगे पानी में? हाँ, ये चली जाएगी। तो अगर आगे चला गया, ज्यादा आगे चला गया, ज्यादा आगे जा नहीं सकता, वही रहेगा, वही जगह उसी जगह घूमता रहेगा ये बस। अच्छा, जब तक इसके अंदर लाइन रहेगी। और गाइस ये गांव में हमने भी यूज किए हैं इस टाइप के कांटे। और ये क्या है, ये ये ये
ये इसके इंडिकेटर है, अगर इसमें लाइन लगाएंगे और अगर मच्छी लग जाती है जैसे तो ये टन टन करेगा, ये ओके ये हमें सोते हुए को जगाएगा कि कुछ हुआ है। और ये मेरा रॉड स्टैंड है कि रॉड पे स्क्रैच ना पड़े, साफ सुथरा एकदम। अच्छा अच्छा, तो मैंने बंदो प्लग अपने अपने नीचे वेट लगाओ, कुछ नहीं, क्या करना क्या आएगा इसके अंदर, प्लग तुम बोरे लगाना है, प्लग लगा इसके अंदर, लाइन नहीं पड़ी तेरे पास ना, ये प्लग बाइक वाला है। लगा तो दूसरा लगा, यहाँ बांध उसको, लगा लाइन होल्ड कर दी थी यार। ये क्या चीज है, ये रुक जाएगा ना पानी में, देखना चेक करना, रुक जाएगा नीचे, ये बहेगा थोड़े, ये तो बैठ है, तो नहीं नहीं बैठ जाएगा नीचे, बैठ जाएगा। इतने वेट ले तो रखे भाई, क्या ये तो निकाल लेना मैंने इमरजेंसी के लिए, इसमें ही बांध रहे भाई डबल वेट, इसमें तो बांध रहे ना, डोरे होगी कितनी होगी, एक बोरी, दो, एक वो पड़ी, कितनी होगी डोरे, काम करना देखो, अच्छा ना, फिलहाल मैं छतरी ले आया हूँ, बड़ी छतरी है, चार पाँच बंदे आए, कोका कोला नहीं वो ले आया, कोका कोला एक कोका कोला वाली भी होती है टेबल के साथ आती है। अब तुमने कुछ नहीं शूट वगैरह अपना लेके शॉट, आराम से बैठो, ठीक है, फोन फान चलाओ, ठीक है, शांत वातावरण, अच्छा ठीक है ना, डोरी डाल के बाद पक्का टाइट बांध ना। ये है रोटी के टुकड़े, कुणाल भाई इसमें क्या क्या है, इसके अंदर है ये है कच्ची पक्की रोटी है, ठीक है जी, और इसमें है हमारा गेहूं का आटा, अच्छा गूंद के रखा है, गूंद के रखा हुआ है, और ये सूखा, और सूखा आटा है, इसको करो कुछ लगा लो, इसमें क्या डाला, ये हल्दी, इसके अंदर ये, इसके अंदर जैसे हल्दी है या फूड कलर होता है कुछ होता है ना, उसके लिए होता है, इसको टाइट इसलिए ना कि चलता पानी है, अच्छा, पानी चल रहा है, अगर हम मतलब ज्यादा मतलब टाइट ना लगाएं, इसको नॉर्मल सा लगाए तो बह जाता है। और ये है केंचू, है खुले ना गांठ कैसे, यहाँ से कह रहे हो ना कुणाल भाई, खुलेगा नहीं वैसे, यहाँ पे हाथ लगाने के लिए कह रहे हो क्या, हाँ ना रहने दो, जल जुल जाएगा, नहीं जलने का, ये पर रोड पकड़ो, छोड़ दो,
हो गया तैयार। बस एक में रुको, एक में ना वो लगा दो, केचुआ लगाओ। नहीं, कच्ची पक्की रोटी ये ले, लगा दे ना, ये लगा देते हैं। बर्फी ये वाला सेटअप तैयार है और खेल शुरू करते हैं। 3, 2, 1 काफी दूर गई। कुणाल भाई ने डाल दिए अपनी रोड। ये ट्रैक होता है उसको। ये क्या चीज़ है? ये इसको बोलते हैं ट्रैक है ये। इसको हमने देखना है कि मतलब कि उसका लेवल किस तरह करना है। ज़्यादा मीडियम रखना है इसको, ज़्यादा टाइट नहीं। अब रोड को इस पे टिका देंगे और ये हो गया तैयार। छोटा इंडिकेटर जरूर लगाना है, इससे मेरे को सिग्नल मिलता रहेगा। इससे कैसे पता लगेगा? हाँ जी, ये जो लगाया आपने इससे पता लगना है कितनी लेवल कि मतलब अगर मछली लगेगी तो ये हिलेगा या आगे जाएगा, खींच के वहां पहुंच जाएगा। तो ये सेटअप तैयार है हमारा और जो अपडेट है वो भी आपको देते हैं, जैसे भी कुछ लगती है हमें फिश वगैरह यहाँ पे तो उसकी अपडेट अभी मिलती है आपको। अब नेक्स्ट क्या करना है ये जो भाई कर रहे हैं? नेक्स्ट ये सेटअप है हमारा, जो दूसरी हैंड लाइन है वो इस साइड जाएंगी। इतना सेटअप लगा रहे हैं। अरबाज यहाँ से ना नीचे बैठ जाएगा ये तो। हाँ इधर ही जाएगा, उसको यहीं रोक देंगे। ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ का बड़ा नहीं है। तो गाइस अभी तक कुछ नहीं पकड़ा गया हमारा। ये यहाँ पे भी रोड लगी है, वहाँ पे भी, और यहाँ पे हो रही है पेट पूजा। घर से ले आए थे भाई खाना, तो यहाँ पे बैठे ऊपर ये पीपल का पेड़ है। घर का अचार घर का ही होता है। घर का अचार तो बढ़िया है, क्योंकि जो दुकान वाला होता है ना उसमें मैंने नमक बहुत डाला होता है, अचार जल्दी गल जाए। घर का अचार है और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज्यादा। करेले का भी था, हमें लेके नहीं आया। ले आते इस बार, आज तो सारा जो भाई
ऐसी जगह में तो, ऐसी जगह में तो बहुत कुछ खाने का मन करता है। ये है दोस्तों, इस टाइप से लगाई है इन्होंने। इसको बोलते क्या है? गट्टू। ये है गट्टू। वेट कर रहे हैं। तीन गट्टू लगाए हैं और एक रोड लगाई है। और ये है सतलुज रिवर। पंजाब रोपड़। इस सामने केड़ा कौन सा पिंड है, कुछ है पता? इस साइड वो गड़बग्गा साइड पड़ता है, कोई गड़बग्गा वगैरह आता है इस साइड ना, पिंडों के नाम है, कोई अलग अलग नाम है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो शायद दिख रहा होगा, ये है टिब्बी साहिब गुरुद्वारा। तो गाइस लगभग घंटा डेढ़ घंटा हो गया है, अब तक कुछ नहीं यहाँ पे हमारे हाथ कुछ नहीं लगा अभी। खाना खुना भी हम लोगों ने खा लिया है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और हम दूसरे स्पॉट पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे छाया है यहाँ पे, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज है। रोड एक बार निकाल ली है कुणाल भाई ने और दोबारा से डाल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा यहीं पे डालने की कहीं आगे पीछे डालेंगे। पहले भी रोटी लगाई थी। ये वाली डोर निकाल ली नहीं, डोर पहले डोर से तक आ जाएंगे 10-15 मिनट तक। हैं कौन सी डोर करेंगे? ये वाली निकाल ली नहीं ना, ये वाली हाँ, वो दोनों ही निकाल ली थी। हाँ इसको पड़ी थी अंदर, इसको करते हैं पहले सेटिंग, फिर लगाते हैं। एक बार दोबारा से कोशिश जारी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आएगा। ये काफी दूर गई, रोटी बनाई और काटे इसके जो कोई भी दोस्त यहाँ अकेला आता है तो फिर वैसे वो अंदर ना ही जाए तो अच्छा ही है। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2-3 घंटे हो गए और अभी तक कुछ हाथ लगा नहीं है, तो शायद हम लोगों को लोकेशन चेंज करनी पड़े यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे है। और अब जो हम बात कर रहे थे चैनल का नेम चेंज करने की, वो हमने चेंज कर दिया है और चैनल का नाम रखा है
द फिशरमैन करके लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो अभी शायद यहाँ से हम लोकेशन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो बहुत टाइम लगा दिया हम लोगों ने। क्या करें सर, लोकेशन चेंज करने पड़ेगी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। पानी बहुत गंदा है और कुछ लगा नहीं अभी तक। वहीं पे जाना है जी? वहीं पे ही हाँ, उधर देखते हैं, चल रहे हैं 20-25 मिनट। देखते हैं दूसरी लोकेशन पे जाके आपको भी दिखाते हैं। इस भाई ने तो बिजनेस चला दिया यहाँ पे, कितने कमा लिए। टेप यार कहाँ है, वो तो कमाए थे। काले वाले बैग में पड़ी है, छोटा सा बैग छोटे वाले पास कर रहे हैं। इसको खोलो, उसके अंदर टेप पड़ी, टेप को खोल के इसमें गोल-गोल टेप लगा दो बस, और इसी बैग के अंदर गट्टू रख देना। तो अब क्या चेंज किया? तो दोस्तों पहले जो आटे का रंग था वो येलो था, तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे पानी गंदा है और येलो आटा है, तो मैंने फिर मेरे को ऐसा लगा कि मच्छी उस पर मतलब बाइट नहीं कर रही है, तो मेरे को डाउट। वो हल्दी वाला था ना, हल्दी वाला आटा तो था शायद, हो सकता हल्दी है। भी नहीं थी, वो फूड कलर था एक्चुअली। okay. हाँ, तो ये जो आटा है ये नॉर्मल आटा है और नॉर्मल कलर, इसमें कोई फूड कलर नहीं मिलाया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मेरे को लगता है कि इस पर बाइट कर रही है मच्छी, खा रही इस आटे को, फिर मेरे को फिर वो हर ये जो लाइनें हैं इन पे भी वही लगाना पड़ेगा, मेरे को यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को फिर वो फूड कलर वो निकालना पड़ेगा। दोस्तों इस कलर का था पहले आटा जो यहाँ पे है, अब प्रॉपर वाइट है। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। हमारे भैया का चैनल है MP ब्लॉग, और एक वो छोटा सा चैनल है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है, अपना मैं भी नाम ही रखा है नाम का, द फिशरमैन। पहले चैनल का नाम था एंगलर्स एसोसिएशन चंडीगढ़, अब वो नेम को चेंज कर दिया है, हमने सिर्फ शॉर्ट नेम रखा है छोटा सा द फिशरमैन। तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करना दोस्तों, और देखते हैं अभी कुछ आटा लगा नहीं, आटा कुछ ना पड़ेगा, आटा लगा। तो दोस्तों दोबारा से वाइट आटा लगा के हमने फेंका है, और चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है, इनके चैनल का नाम द फिशरमैन कर दिया है, और लिंक का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर उनके चैनल पे जाएं और वीडियो देखें, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये, और फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ उनके साथ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, अगर अच्छा रहा तो फिर हम दोबारा से भी आएंगे इनके साथ। तो गाइज काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हंसा है, और अभी तक हमने लोकेशन भी चेंज नहीं किया है, तो भाई क्या करना है, बस लोकेशन चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं अभी, देखते हैं। सेटअप निकाल लो यार, है ना यार, ऐसे तो नहीं बंदे वहाँ पे आ गए हो पहले ही, कोई नहीं विराज के देख रहे हैं, उस साइड ने पेटी और बात, क्योंकि गए थे वहाँ पे दो भाई, अब चलते हैं अगले लोकेशन पे, पास में ही है। मैं भी आज मछली पकड़ रहा हूँ, पकड़ी जाएगी वो अलग बात है, अभी जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ आया नहीं हाथ, तो चलते हैं आगे, चले चलो, ठीक है। निकाल दे और बस इसके कंटा निकाल के डाल दे,
तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं दूसरी लोकेशन पे और यहाँ पे लग गया एक फिश लग चुकी गोल्डन कार्प और वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ ना कुछ लग जाए यहाँ पे। धूप बहुत तेज़ होगी दोबारा से क्योंकि बीच में थोड़ा सा मौसम वहाँ पे अच्छा था क्योंकि पेड़ था तो पेड़ की वजह से काफ़ी अच्छा था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ है नहीं तो यहीं पे एक छतरी सी लगा के बैठे हैं हम लोग, ऊपर लगा दी हम लोगों ने। दो भाई यहाँ पे कर रहे हैं और दो हम वहाँ पे। डड्डू डड्डू फॉर डड्डू, बताओ क्या 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 फीलिंग है? फीलिंग लवली फीलिंग है, बस कर रहे हैं इंतजार कुछ हो जाए। तो गाइस बहुत टाइम हो गया है, लगभग बज चुके हैं 2 बज रहे हैं। हम दूसरी लोकेशन पे आ गए थे लेकिन यहाँ पे भी अभी तक कुछ आया मिला नहीं हमें, एक लगा था ओनली, 2.5 किलो का था। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ और हमें मिल जाए। और ये कुणाल भाई लगे हैं कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करने। और दोस्तों यहाँ पे ना फ्री फिशिंग नहीं होती, यहाँ पे ये ना पास बनाना पड़ता है, 200 रुपये पर पर्सन है ना भाजी, 200 पर पर्सन है, 200 रुपया पर पर्सन है। ये देखिए पास बनाया है हम लोगों ने, बिना पास के आप फिशिंग नहीं कर सकते यहाँ पे सतलुज रिवर पे। जुर्माना है 5,000, अगर कोई पकड़ा जाता तो उसको 5,000 पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप 200 रुपये का बना लें। बट 200 रुपये में आपको फिश पकड़ आए ना आए वो कोई गारंटी नहीं। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पे बेला बैठा हूँ बट पसीने निकल रहे हैं, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। ये तो शुक्र है हम छतरी ले आए थे, ये देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा है। और जहाँ पे हम पहले बैठे थे वहाँ पे पेड़ था पीपल का, वो बढ़िया था पीपल की छाया में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कर रहे हैं मैनेज कर रहा हूँ मैं तो ऐसे कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं ओनली बेला बैठा हूँ, यहाँ पे सीख रहा हूँ मैं, अभी नॉलेज ले रहा हूँ कुणाल भाई से। मेन तो ये था कि मैंने आपको पास दिखाना था कि ये पास बनाया जाता है यहाँ पे। गुरविंदर सिंह गवर्नमेंट फिश कंट्रैक्टर एंड कमीशन एजेंसी रेलवे रोड रोपड़, नंबर भी इनका बता देता हूँ अगर आप बनवाना चाहते हो कॉल वगैरह, तो नंबर इनका 7837000276। इनसे व्हाट्सएप पे अपना ऑनलाइन पेमेंट करके, इनको ऑनलाइन पेमेंट करके आप इनसे बात कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी आपको बना के दे देंगे अगर आप जाना नहीं चाहते हो तो। बाकी देखते हैं, अभी बैठे हैं 2 बजे, अभी 5-6 बजे तक यहीं पे हम लोग, अगर यहाँ पे नहीं पकड़ी गई तो फिर लोकेशन और भी चेंज करेंगे। और दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि पानी ना बहुत गंदा है, पूरा मिट्टी वाला पानी है, तो उसकी वजह से लग नहीं रही है फिश यहाँ पे। जो लोकल है यहाँ पे, जो लोकल यहाँ के एंगलर्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे पानी गंदा होने के कारण मछली कम लग रही है। हाँ हो सकता है, बाकी देखते हैं शाम तक यहीं पर। दोस्तों हो सकता है कि शायद जैसे लोकल लोगों ने बताया कि पानी गंदा है उसकी वजह से फिश नहीं लग रही है, लेकिन जहाँ पे अभी हम लोग फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे फिश बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ही ज्यादा। बट संजू भैया, संजू भाई, मेरा पीपल की छाया अच्छी आ रही है, बाकी देखते हैं कैसे कैसे प्रोग्राम बनता है हमारा। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप पूरा एंजॉय करें। तो गाइज एक्चुअल में क्या है, धूप बहुत तेज है तो और 3 बज चुके हैं और सिर्फ एक पीस लगा था हमारा जो मैंने आपको दिखाया था, बट हमने लोकेशन भी चेंज की बट कुछ अभी तक हुआ नहीं। और जिस लोकेशन पे अभी हम पकड़ रहे हैं मछलियाँ, यहाँ पे ऐसा कम माना जाता है कि सबसे ज़्यादा मछली यहाँ पे लगती है, बट यहाँ पे आई थिंक पानी
बहुत गंदा है, शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और धूप की वजह से बहुत ज़्यादा धूप है तो मेरी हालत हो रही है ख़राब। हो मैं तो आ गया हूँ यहाँ पे, यहाँ पे शेड सा बना हुआ है, ये यहाँ पे एक शेड बना हुआ है। एक्चुअली में ये शमशान घाट है, शमशान घाट का शेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेल्फ सी होती है, मैं आके यहाँ पे बैठ गया हूँ टांगे पसार के। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। और जो तीन भाई लोग भाई हैं वो मछली पकड़ रहे हैं अभी भी। मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है मछली पकड़ने का कि कैसे पकड़ते हैं क्या है, बट वो कर रहे हैं, देखते हैं। और आपको भी अपडेट दे दूंगा अगर कुछ अपडेशन देने वाली हुई तो। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं थर्ड लोकेशन पे, क्योंकि सेकंड लोकेशन पे हमें सिर्फ एक फिश लगी थी जो आपको दिखाई थी। फर्स्ट पे हमें कुछ नहीं लगा, सेकंड पे एक लगी, थर्ड पे आए हैं, शायद यहाँ पे कुछ लग जाए। व्यू देख सकते पीछे, पूरे यहाँ पे बैम्बूज लगे हुए हैं चारों तरफ। देखते हैं कैसे बनता है। और गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा देख सकते हो पसीने से क्या हाल हो गया। देखते हैं कि इस लोकेशन पे हमें कुछ मिलता है या नहीं, नहीं तो फिर हम चल पड़ेंगे। तो गाइस ये जो वीडियो है दोस्तों, इसको यहीं तक रखते हैं। जो भी था पूरा दिन हम लोगों ने लगा दिए, 5 बज चुके हैं, बट वो सिर्फ एक ही मछली लगी हम लोगों को। तो जो भी था पूरा इन्जॉय किया हम लोगों ने, और आपने भी पूरा देखा पूरा, आई थिंक आपने भी पूरा इन्जॉय किया होगा हमारे साथ। तो दोस्तों चलते हैं, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में नई लोकेशन पे नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों।